और फिर मौका आएगा, फिर आपसे लोग पूछेंगे इंडिया पाकिस्तान मैच आ रहा है। जाहिर है मैं इंडिया को सपोर्ट करूंगी। क्यों? क्योंकि मैं इंडियन हूँ। दोनों को नहीं? अब मैं दोनों को नहीं कर सकती, अब मैं हिंदुस्तानी तो हिंदुस्तान को ही करूँगी। अब मेरा पाकिस्तान में कुछ है ही नहीं, ना मेरा, ना कभी जाऊँगी, ना मेरा कुछ है। वहाँ के लोग मेरे बारे में बहुत गलत गलत बातें करते हैं, वो मुझे मारने तक की बात करते हैं। हालांकि मैं, कुछ लोग तो यहाँ पे भी बहुत गलत गलत बातें करते हैं। नहीं, इतनी भी नहीं करते जितनी वहाँ के करते हैं, और वहाँ के गंदी गंदी गाली गलौज करते हैं। आप पता नहीं फेसबुक चलाते हो कि नहीं, वहाँ पे आती हैं वीडियो। तब मेरे तो विराट कोहली, अब सपोर्ट तो विराट कोहली को ही करेंगे। और विराट कोहली के आउट होने पर आपको उतना ही दुख होगा जितना हिंदुस्तान में बाकी लोगों को होगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ये अब क्या कह रहे हैं, हिंदुस्तान में भी हिंदुस्तानी ही हूँ, कितने महीने हो गए यहाँ का नमक खाया है मैंने। अब ऐसा मत कहे, मैंने पाकिस्तान के पर गलत नहीं बोला, ये आप बोलने वाले थे, मुझे पता है। मैंने पाकिस्तान को वहाँ के लोगों की वजह से मैंने बोला था वादे ना। नहीं, हम तो पाकिस्तान मुर्दाबाद सुन के आए, इसलिए मैंने सवाल पूछा। बिल्कुल, मैं वो बोल रहे हैं वहाँ के लोगों की वजह से बोल दिया था हमने, तो इसमें ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिल्कुल, बहुत तंग करी गई हूँ मैं। ये पासपोर्ट कार्ड बनाते बहुत बहुत दुखों से बनवाए मैंने यहाँ आने के लिए, पर अफसोस कि यहाँ का वीज़ा भी नहीं मिला और मुझे ऐसे आना पड़ा और ऐसे लोगों के बीच में सवाल जवाब करने पड़े। अगर वीज़ा मुझे देता है इंडियन एम्बेसी तो शायद ये सब भी ना होता, मैं भी यार चैन की रोटी खा रही होती। तो वो तो इंडियन एम्बेसी ने नहीं दिया ना वीज़ा, इंडियन हाई कमीशन ने नहीं दिया वीज़ा। तो वहाँ से पाकिस्तान मैंने इस्लामाबाद में जमा कराए थे, मैं इंडिया तो नहीं आई थी, मैंने तो पाकिस्तान में जमा करवाया था। पता नहीं वहाँ पाकिस्तानियों में कुछ गड़बड़ थी या आगे नहीं दिया, मुझे क्या पता, मुझे तो पता था वीज़ा नहीं लगा। तो पहले जब आप इंडिया पाकिस्तान मैच देखती थी तब किस, कौन से बैट्समैन को सपोर्ट करती थी? दोनों को करती थी तब, जब मैं पाकिस्तान से, किसको? पाकिस्तान से शुरू में शायद अफरीदी को, बूम बूम अफरीदी से नाम चला जाता है, और यहाँ से विराट कोहली को, विराट कोहली को। अब शायद अफरीदी तो खेलते नहीं है, अब तो वो कब के ख़त्म हो गए, अब के तो मुझे नाम भी पता नहीं है अब के का, या अब इतना इंटरेस्ट नहीं रखते थे मैचों में। बिल्कुल हाँ, विराट कोहली तो अब भी खेलते हैं, अभी जो बीच में चल रहे थे मैच, हम यहाँ पे थे ऐसे इंडिया इंडिया में चल रहे थे, जब पता नहीं कितने छक्के मारे थे, अभी ना चल रहे थे बीच में, तब भी हम देखा करते थे मैं और मेरे पति, मई में चल रहे थे। आपके लिए अब यहाँ से सबसे अच्छा दिन कौन सा होगा, वो कौन सा दिन होगा जिसका आप इंतज़ार कर रही हैं? सब दिन अच्छे हैं, सबसे अच्छा दिन तो आज का भी है, रक्षाबंधन है, ऊपर से भैया एपी सर को मैंने राखी बांधी है, तो आज का बहुत बड़ा दिन। पर उधर जो बाकी राखी आपने भेजी वहाँ से तो जवाब आया नहीं? तो मैंने जवाब के लिए नहीं भेजी, मैंने बांधने के लिए राखी भेजी है, जो विश्वास से बांधी जाएंगी, और मैंने एक बहन बन के भेजी है, तो मुझे नहीं लगता कि ठुकराई जाएंगी। बिल्कुल, और मुझे पूरा विश्वास है योगी जी और मोदी जी, वो हमेशा महिलाओं के लिए बारे में ही बोलते हैं, भाई बहनों इस तरह के शब्द निकालते हैं, तो मुझे विश्वास है, आगे देखते हैं विश्वास कहाँ तक ले जाएगा, पर मुझे पूरा विश्वास है। सिंह साहब, ये विश्वास और भावनाओं का खेल नहीं है, ये तो कानून है और आप वकील हैं, आखिर तो कानूनी पैमाने पर ही सब कुछ तय होगा। कानून भावनाएं भी देखता है, कानून सुनता भी है, दिल भी रखता है, कानून ऐसा नहीं, रीत रिवाज से ही तो कानून बना, कानून बना कहाँ से, आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, रीति रिवाज पद्धति जो समाज में चली, मर्यादाएं चली, वही कानून का रूप लेती चली गई, उन्हीं पर लैंडमार्क जजमेंट चलते चले गए। तो निश्चित तौर पर भारत की सभ्यता संस्कृति है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम केवल बोलते नहीं, केवल दीवारों पे नहीं लिखते, हम करके भी दिखाते हैं, अपनाते हैं और उसे सिद्ध करते हैं। खैर, ये सारे सवाल और ये सारी दलीलें आपकी ये कानूनी प्रक्रिया से गुजरेंगी, और ये यकीनन है कि देश देख रहा है कि सीमा हैदर केस का क्या होता है। सीमा सचिन मीना जैसे आपके रिजर्व में, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।